जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 54 फुट तने और 35 फुट व्यास वाला देवदार का पेड़ मिला है। भलेसा वन रेंज के अधिकारियों का दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे पुराना देवदार का पेड़ है। इस पेड़ के मिलने वाले स्थान चांती बाला को विरासत स्थल घोषित करने की मांग उठने लगी है। पंचायत राज्य संस्थान के सदस्यों ने इसे पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक डोडा शहर से 124 किलोमीटर दूर बसा गांव चांती बाला नाग की पूजा करने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। ये गांव चारों ओर से विशालकाय देवदार के पेड़ों से घिरा है। भद्रवाह के प्रभागीय वन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि इस पेड़ का फील्ड स्टाफ ने पता लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके शोध के मुताबिक और एकत्र किए आंकड़ों के अनुसार ये देवदार की प्रजाति में सबसे बड़ा पेड़ है। शेखर ने कहा कि ये सैकड़ों साल पुराना लगता है, फिर भी इसकी सही उम्र के आकलन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कहा है। उनकी कोशिश है कि इस जगह को विरासत स्थल घोषित किया जाए। दुनिया को जब इस अनोखे पेड़ का पता चलेगा तो हर कोई इसे देखने के लिए यहाँ आना चाहेगा। चांती बाला के सरपंच संसार चंद ने बताया कि इस पेड़ की 12 पीढ़ियों से पूजा की जा रही है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था और स्थानीय लोगों में भी ये प्रचलित है कि जब भी किसी ने इस पेड़ की शाखाओं को काटने की कोशिश की तो उसमें से खून और दूध जैसा पदार्थ निकलने लगा। इसके बाद से कभी भी किसी ने इस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। देखिए, अभी हमारे साथ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर जितने भी हैं, चाहे DFO साहब हैं, रेंजर साहब हैं, जितने भी यहाँ पे लोकल हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सारे यहाँ पे आए हैं इसकी आज मेजरमेंट करने के लिए। तो जो इसमें मेजरमेंट अभी हुई, तो जो इसका ट्रंक साइज है वो तकरीबन 50 फीट निकला और जो इसका ब्रेस्ट साइज है वो तकरीबन 35 फीट निकला। तो अगर ये जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि पॉसिबली ये एशिया में सबसे इसमें साइज में बड़ा पाइन ट्री हो सकता है, तो ये तो हमारे लिए फखर की बात होगी। और इसको डेवलप करने के लिए जो भी हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताएगा तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अभी यहाँ पे DFO साहब ने कहा कि यहाँ पे इनकी लाइटिंग वगैरह की जरूरत है, तो फेंसिंग वगैरह, तो उस चीज के लिए मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए इनको दे दूंगा। और इसके अलावा कुछ और मांगे हैं, जैसे यहाँ पे एकोमोडेशन हो या जो हो, उसके लिए 20-30-40 लाख जितना लगेगा वो सारा हम अपनी तरफ से उठाएंगे और कुछ हम डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से करेगा, क्योंकि ये मिलजुल के होना चाहिए। और मैं इसमें दरख्वास्त करूंगा जो लोकल पंचायत है वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा करें, क्योंकि अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा। इतना बड़ा पेड़ तो हमने कभी नहीं देखा। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए पता लगा, कुछ डिपार्टमेंट के थ्रू पता लगा, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वहाँ पे गए हुए थे, उनके वीडियोस वगैरह देखे हमने, तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम वहाँ पे जाएं और वो पेड़ को देखें। उधमपुर से आया था ये भलेसा, तो सोशल मीडिया पे भी हमने इसमें देवदार का पेड़ था उसके बारे में सुना था, तो हमने सोचा चलो खुद अपनी आँखों से देखाते हैं। तो यहाँ से भलेसा से आगे एक विलेज है चांटी, तो वहाँ पे आए हम, सुबह गए थे वहाँ पे, हमने जाके उसके दीदार किए पेड़ के, बहुत दिल खुश हुआ देख के कि ऐसा नज़ारा, मतलब जैसे जन्नत में हो हम। तो क्योंकि ऐसी चीज़ें, आम चीज़ें आपको कहीं नहीं दिखेंगी, तो बड़ा शुक्रगुजार है हम सारे यहाँ के लोगों ने जिन्होंने इस पेड़ को आज तक यहाँ पे बचाए रखा। और हम चाहते हैं कि आगे इस एरिया की और डेवलपमेंट हो, और ख़ासकर जो पेड़ है उसकी प्रोटेक्शन हो थोड़ी सी, और उस प्लेस को और इतना डेवलप किया जाए। वहाँ पर मंदिर है वहाँ पर नागों का, तो सुना कि वहाँ पे 20 दिन के बाद वहाँ पे मेला लगेगा अभी, तो काफ़ी संख्या में 2-3 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि इस जगह को इतना डेवलप किया जाए, जैसे 2-3 हज़ार अगर लोग आ रहे हैं उनके कुछ बैठने के लिए या कुछ सराय का इंतजाम कुछ हो जाए वहाँ पे,